लुधियाना में स्कूल खुलते ही कोरोना के मामलों ने हाहाकार मचा दिया। एक के बाद एक हर शहर के स्कूल में बच्चे और शिक्षक कोरोना की चपेट में आने लगे। रिवाड़ी में 72 छात्र कोरोना की चपेट में। जींद में 19 छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव। सिरसा में 16 बच्चे कोरोना से बीमार। कैथल, महेंद्रगढ़ और हिसार के आंकड़ों को भी जोड़ लें तो अभी तक हरियाणा के स्कूलों में कोरोना के 147 मामले आ चुके हैं। कोरोना के मामलों में रिवाड़ी का आंकड़ा सबसे खतरनाक है। स्कूल खुलने के बाद जिले के 12 सरकारी स्कूलों में 837 बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें से 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले। जहां कोरोना के मामले निकले उन स्कूलों को तो बंद कर दिया गया, लेकिन बाकी स्कूल के बच्चे भी डरे हुए हैं। हम ये चाहते हैं सरकार हमारे मतलब और सख्त कानून करे ताकि हमारी पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अच्छे से पढ़ सके और हमारे अच्छे से पढ़ाई की जा सके। और कोरोना को देखते हुए बहुत सारे केसेस आ रहे हैं स्कूलों में, तो इससे भी बचाव के लिए हमारे स्कूलों को और अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाए। हरियाणा की जींद में भी अब तक 11 छात्र और 8 टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये तो उस स्कूल जब वो इन करेगा इन्फॉर्म डीओ को, तो डीओ उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या किया जाए। तो मामले सर बढ़े रहे हैं जो स्टूडेंट लगातार आ रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो अब ये तो निर्णय लेना तो प्रशासन का काम है। हम उनको सूचित जरूर कर देंगे कि अगर कोई ऐसा आज भी टेस्ट चल रहा है। हरियाणा सरकार ने कोरोना को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस के साथ 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूलों को खोलने का आदेश दिया था, लेकिन स्कूल खुलने के महज 2 हफ्तों में ही हरियाणा के स्कूलों में कोरोना के मामले तेजी से सामने आने लगे। जिन स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं उन्हें 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं सभी स्कूलों में कोरोना की जाँच के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो स्कूल खोलने का आदेश भी वापस लिया जा सकता है। हम आगे और चौकसाई बरतेंगे। वैसे तो हमने खैर पहले ही खूब उसमें कर रखा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क लगाने की बात, सैनिटाइज की बात, सब पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ ध्यान देने के बावजूद भी अगर बाहर से कई बार हो सकता है कि किसी बच्चे को बाहर से है वो आ गया, तो उसके समस्या तो होती है और इसके लिए बहुत लंबे टाइम तक स्कूलों को बंद भी करके रखा है। स्कूलों से आ रही रिपोर्ट को देखते हुए अम्बाला के स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीमें गठित कर शहर के कई शिक्षण संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राएं बिना मास्क के मौजूद मिले। डॉक्टरों ने यहां से टेस्ट के लिए सैंपल भी लिए। अब सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना महामारी के बीच स्कूल खोलने में फैसला जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया। हरियाणा में कोरोना गाइडलाइंस के तहत स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन महज 2 हफ्तों में 200 के करीब छात्र और अध्यापक पॉजिटिव पाए जाने से सनसनी मच गई है। लिहाजा सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार कर रही है और बहुत जल्द इन स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।